प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए विवेक तिवारी हत्याकांड के विरोध में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने चेतना तिराहे से कैंडल मार्च निकाला और टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष विवेक को श्रद्धांजलि देते हुए उनके आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रजनीश यादव ने कहा, रजनीश यादव पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोरखपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक शरीफ शहरी का उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस द्वारा खुलेआम निर्दोष शहरी की हत्या कर दी जाती है, जिसके भरोसे उसका पूरा परिवार होता है। इस सवाल को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में लोग आक्रोशित हैं, मर्माहत हैं और दुखी हैं। जिनकी हत्या की गई, स्वर्गीय विवेक तिवारी जी की आत्मा की शांति के लिए आज हम लोगों ने प्रार्थना किया, अपने आक्रोश का इजहार किया। समाजवादी पार्टी के युवा संगठनों के लोग, युजन सभा, छात्र सभा, इस लोहिया वाहिनी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। हम समाजवादी लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल पीड़ित परिवार को 5 करोड़ मुआवजा और उनके परिजनों को नौकरी देने की मांग किया है। हम सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इस मांग का समर्थन करते हुए कहना चाहते हैं कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, समाजवादी लोग गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में संघर्ष जारी रखेंगे।